भाई अगर कोलैब नहीं करना था तो बता देते, ब्लॉक क्यों किया, हर्ट मी। तो गाइस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। मुझे कोलैब करना है आपके साथ, क्यों नहीं। हेलो भाई, थोड़ा अपना इंट्रो दे दो सबको। हे मंकी के ढोकलाओ, माय नेम इज लव्स आर्टिस्ट। हाँ, वही जो संदीप भाई की आर्ट कंपटीशन में टॉप 3 में आए थे। क्या मतलब, आर्ट कंपटीशन तो नहीं जीता पर विनर को तो बुला लिया ना चैनल पर। अंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। हेलो भाई, ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। वेल है गाइस, तो आज हम वापस से एक और बार कोलैब की वीडियो लेके आ चुके हैं विद लव आर्टिस्ट के साथ। हम दोनों की बातचीत के बाद हमने डिसाइड किया कि हम पेंसिल कलर से ड्राइंग करेंगे, जो कि मैंने लास्ट में ही पेंसिल कलर से ड्राइंग किया था। मेरी तो हालत बहुत पतली हो जाती है पेंसिल कलर में, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा, देख सकते हो। पर भाई ड्राइंग क्या बनाना है, तो थोड़ी मोटी बातचीत के बाद हमने ये रेफरेंस भी ढूंढ लिया, और जो कि उन्होंने ही भेजा था। तो ये रेफरेंस थोड़ा कुछ ज्यादा ही ब्लैक एंड व्हाइट था पेंसिल कलर के मुकाबले। फिर हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब हम ये कलरिंग तो करेंगे पर अपने स्टाइल में करेंगे, मतलब कि इसे और कलरफुल बनाना है। जितना ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है वो नहीं दिखना चाहिए। आओ तो चलो ड्रॉइंग स्टार्ट करते हैं, वो भी एक सिनेमेटिक शॉट के साथ। देखना भाई, मैंने कलर पेंसिल के साथ साथ ब्रश पेन भी यूज कर लिए हैं। नहीं भाई, वो नहीं यूज करना था, पर कोई नहीं, आपने यूज कर लिया है तो मैं तो सिर्फ पेंसिल कलर से ही ट्राई करूंगा। बाय द वे, मेरे ढोकलाओ, मैं ये ड्राइंग करता ही जा रहा था तो तभी मुझे एक आइडिया आया कि मैंने पिछली बार तो एक सॉफ्ट ड्राइंग तो किया था जो पेंसिल कलर से था, तो इस बार क्यों ना सॉफ्ट नहीं पर रफ ड्राइंग किया जाए, मतलब रफ कलरिंग की जाए जिसमें ज्यादा कुछ ना ही हो, क्योंकि रेफरेंस में भी ज्यादा कुछ इतना डिटेल में नहीं दिखाया जा रहा है। तो गाइज मैं ये कलरिंग करते जा रहा था और तुम देख ही सकते हो कितना ही गंदा बनता जा रहा है। और आज तो उन भाई ने तो वीडियो अपलोड भी कर दी पर मैंने नहीं की, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा और ठीक से ड्राइंग करना पड़ेगा, तो वापस से मैं लग गया दूसरी लेयर पर। तो इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही कलर किया है। तो गाइस दूसरी लेयर लगाने के बाद भी फिर भी मुझे इतना ड्राइंग अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना आउटलाइन पे ध्यान दिया जाए। मतलब मैंने बॉल पेन से एक और बार आउटलाइन को और थोड़ा मोटा कर दिया, जिससे ये वीडियो और ड्राइंग दोनों लेट होते गए। आओ चलो अब बात कर लेते कि मैंने ब्लॉक क्यों किया था। हाँ, तो ये बात है उस जमाने की जब मेरी ये वाली इंस्टा आईडी नहीं पर उससे पहले भी एक इंस्टा आईडी थी ड्राइंग वाली, जो ऑलमोस्ट डेडी हो चुकी थी, पर ये भाई और हम दोनों एक दूसरे के फॉलोअर्स थी, तो इन्होंने तब, एक साल पुरानी बात है, तो इन्होंने तब सडनली उन्होंने कॉल कर दिया, यानी कि इंस्टा कॉल, जो कि तब तो मैं इतना डर गया कि भाई मुझे किसने कॉल कर दिया ऐसे, और मैंने ब्लॉक कर दिया। पर अब तो मैं हर किसी के साथ घुल मिल जाता हूँ। बट उनका रिसेंट कमेंट आते ही मैंने वापस से उनके साथ बातें की, और इस बार तो मुझे सच में पता चला कि वो भाई तो काफी इनोसेंट बंदे हैं, वो भाई तो काफी अच्छे इंसान है। उफ,
ये जज करने की मेरी आदत, इसलिए मेरे मम्मी पापा मुझे कोर्ट के जज बनाने वाले थे। हाँ तो मेरे ढोकलाओ यही बात थी, अब तो शायद मैं अब सब लोगों के साथ घुल मिल जाता हूँ। और हाँ इन भाई की चैनल भी है, और जाके सब्सक्राइब कर दो और उन्हें भी थोड़ा सपोर्ट कर दो। हाँ हाँ तो मेरे ढोकलाओ तुम इस ड्राइंग के रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हो। और मैं अभी तक सारे सॉफ्ट ड्राइंग बनाता, ये पहला ऐसा ड्राइंग है जो मैंने रफ कलरिंग की है, तो तुम इसे भी जरूर कमेंट कर सकते हो कि कैसा बना है ये। जाते जाते अपने लव आर्ट्स भाई भी कुछ कहना चाहते हैं तो जरा सुनते जाओ। बट मंगी के ढोकलाओ आप बहुत प्यारे हो, मिलके अच्छा लगा। एंड यस, ड्राइंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा ही दो। मिलते हैं शायद अगले कोलैबोरेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ तो गाइस तो वीडियो यहीं तक थी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ तुम ही बताओ कि भाई मैंने जिस भाई को ब्लॉक किया था आज उसके साथ ही मैंने कोलैब कर लिया, उससे बड़ी फली चीज क्या ही हो सकती है जिंदगी में। और हाँ नेक्स्ट में किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाऊं तुम कमेंट कर सकते हो, एकदम प्यारा सा मैं जरूर बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो। एंड या सॉरी फॉर द, इस वीडियो में थोड़ी ड्रंक की क्लिप बहुत ही कम थी, मतलब मैंने बहुत कम रिकॉर्ड किया था, इसलिए मैं क्या ही रख सकता हूँ। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी वीडियो में ना सही तो किसी और के वीडियो के कमेंट में मैं दिख ही जाऊंगा। हाँ एक और सूचना है कि मैं हर संडे लाइव आता हूँ, तो तुम भी आया करो, टाइमिंग आपको पोस्ट में दिखी जाएंगी कहीं ना कहीं।